सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आई होप आप अपनी लाइफ में इन्जॉय कर रहे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज के दिन की बात करूँ तो आज आ गया है सैटरडे यानी शनिवार। और आज क्या सीन है, आज का सीन कुछ सिंपल सा है। अभी मैं अपने जॉब की तरफ जा रहा हूँ, मेरी दो शिफ्ट है आज, मॉर्निंग एंड इवनिंग। और क्या बताऊँ मैं तुम्हें, लाइफ चल रही है बहुत बढ़िया, आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। और आज शायद से मैं तौरंगा भी जाऊँगा शॉपिंग के लिए। तौरंगा में एक इंडियन ग्रोसरी शॉप है जहाँ इंडियन सामान मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल छाँस, अमूल की जो छाँस आती है वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगी, वो सिर्फ तुम्हें इंडियन ग्रोसरी में मिलेगी, वो भी बहुत चुनिंदा ग्रोसरीज़ में। तो यप, बहुत सारा सामान है जो इंडियन ग्रोसरी से लेना है कि थोड़ा इंडियन फूड ट्राई करें कि इंडियन फूड बनता है या नहीं, बट देखते हैं क्या होता है। आज का दिन तो बहुत अच्छे से शुरू हुआ है। और अगर मैं बिन की बात करूं तो तुम्हें मेरे पीछे बिन दिख रहे होंगे आई थिंक, अगर नहीं दिख रहे अब दिख रहे। तो अगर मैं बात करूं तो जो यहाँ के बिन हैं अभी तक वो नहीं गए हैं क्योंकि अभी तक स्ट्राइक चल रही है, इन्हें हड़ताल नहीं रोकी है और आई डोंट नो ये हड़ताल कब रोकेंगे। तो जो भी कूड़ा है वो बिल्कुल रस्ते में रखा हुआ है बिनों में, पर अभी तक गया नहीं है। तो आई थिंक इनकी स्ट्राइक ख़त्म नहीं होगी जल्दी, अच्छा टाइम लगेगा। पर ऐसे में जो लोग हैं उनको बहुत दिक्कत आ रही है हद से ज़्यादा, पर क्या कर सकते हैं, हर किसी का राइट है यहाँ पर अपने के लिए बोलना। तो ये भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और बस ऐसी चल रही है ज़िंदगी। ब्रेकफास्ट मैं कर चुका हूँ, अपने काम की तरफ मैं वॉक कर रहा हूँ और आज काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। और क्लार्क का मुझे मेल आ रखा था यानी मेरे ट्यूटर का, तो उसने मुझे बता दिया कि मुझे अपने असाइनमेंट में क्या क्या करना है। तो बस वो भी फ्राइडे मेरी लास्ट डेट है उसको सबमिट करने की, तो मैं शायद से उसे 21 तारीख से पहले ही सबमिट कर दूंगा। एक चीज़ बची है उसमें, उसे कंप्लीट करता हूँ। लेकिन जो मेरा दूसरा ट्यूटर है उसका मुझे अभी तक मेल नहीं आया, वो पता नहीं कहाँ भाग गया है, पर उसका मेल मुझे आना चाहिए था मुझे लगता है, पर आया नहीं। तो क्या कर सकते हैं, आई कांट डू एनीथिंग। तो अब मैं चलता हूँ और तुमसे कब मिलूँगा, जब मैं अपनी जॉब से आ जाऊँगा। तो सी यू एट दैट टाइम। फाइनली शिफ्ट हो गई है ख़त्म और अब मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। तो अभी कुछ ऐसा प्लान है कि तौरंगा जाना है और तौरंगा से थोड़ा घर का सामान लाना है जितना भी स्टफ़ है, पर कुछ अभी कंफर्म नहीं है कि जाएंगे या नहीं जाएंगे, बट आई थिंक अगर जाएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। और अगर शिफ्ट की बात करूँ, 3 hours 5 minutes की शिफ्ट हुई है एंड नाउ माई प्लान इज़ समथिंग लाइक कि मुझे कलर लेना है अपने बालों के लिए, बिकॉज मेरे बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं इसे कलर करूँगा और आई थिंक ब्लैक कलर विल बी द बेस्ट वन। तो या एंड लेट्स सी क्या होता है। अब मैं तुम्हें मिलूँगा कब, जब मैं तौरंगा के लिए निकलूँगा। तो जो भी होगा तुम्हें अपडेट होता रहेगा। और लाइक कर दो थोड़ा वीडियो को, शेयर कर दो और कमेंट डाउन कर दो और सी यू इन द नेक्स्ट शॉट। वेलकम बैक टू द नेक्स्ट शॉट। तो अगर मैं बताऊँ तो अभी मैं जस्ट तौरंगा से पहुँचा हूँ घर के लिए और मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे फ़ोन बिल्कुल डेड हो गया था और कार में चार्जर था नहीं, तो इसलिए मैं कहीं शूट नहीं कर पाया। और क्या करने गया था तौरंगा तुम्हें बताता हूँ। तो तौरंगा में गया था इंडियन ग्रोसरी और इंडियन ग्रोसरी से सामान लिया जो कि पड़ा मुझे $132 का, प्लस काउंटडाउन गया था, काउंटडाउन से भी सामान लिया जो कि पड़ा $103 का। तो टोटल ओवरऑल बैठा होगा $240 या $235 का टोटल बिल आज का, जो कि पूरे हफ्ते की ग्रोसरी आ गई है। और अब मैं अपने काम की तरफ जा रहा हूँ, 5:43 टाइम हो रहा है। और हाँ, तुम्हें एक और बात बतानी है आज। तो जब मैं तौरंगा गया, काउंटडाउन गया, तो आज मेरे साथ लाइफ में ऐसा हुआ है, लिटरली मुझे लगता है कि ऐसा भी होता है यार, लिटरली तुम विश्वास नहीं करोगे, पर मेरे साथ पता है क्या हुआ है, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे साथ हुआ क्या है। चलो तुम मुझे एक बार बताओ, मैं शक्ल से कितने एज का लगता हूँ बताओ मुझे, मतलब मैं कितने का लगता हूँ। अगर मेरी तुम शक्ल देख रहे हो तो तुम्हें लगना चाहिए कि मैं कितने का लगता हूँ। तो आई थिंक जो भी व्यूअर्स है उन्हें लग रहा होगा मैं कम से कम 24-25 का तो मैं लग रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, इतना तो मैं तुम्हें लग रहा हूँ ना भाई, पर मैं उतना भी नहीं हूँ, ठीक है। मैं हूँ अभी 22 का, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ है सीन, ठीक है। तो 22 मुझे लग रहा है अब लगेगा, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ सीन क्या हुआ है, ठीक है। तो मैं गया काउंटडाउन, तो काउंटडाउन में क्या हुआ कि मैं ले रहा था अपने के लिए 12 पीस की बियर की बोतलें, ठीक है, जो कि पड़ती है $23.90 की, इतना कॉस्ट आती है, ठीक है। तो जब मैं गया काउंटर पे चेकआउट करने, तो उनने मुझे बोला कि क्या बोलते हमें आपकी एक आईडी चाहिए होगी। तो यूजली वो आईडी उनसे मांगते हैं जो 18 साल से नीचे के लिए होते हैं। तो मैंने कहा यार मेरे पे आईडी तो है नहीं, मैंने कहा हाँ मेरे पे पड़ी है, मेरे फ़ोन पे आईडी पड़ी है, मेरा पासपोर्ट है, तो आप मेरा पासपोर्ट देख लो।
फिर उन्होंने कहा नहीं हमें फिजिकल आईडी चाहिए, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर आपका पासपोर्ट हो, तो वो हमने फिजिकल स्टेट में चाहिए यानी अपने सामने। और मैंने कहा यार ये क्या बकचोद, ये आज तक नहीं हुआ मेरे साथ ये। तो फिर उन्होंने बोला कि सॉरी हम आपको बीएन नहीं दे सकते, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना वॉलेट निकाला, मैंने कहा ठीक है चलो आपको आईडी चाहिए ना, तो मैंने अपनी स्टूडेंट आईडी दे दी। तो उन्होंने उसे भी रिफ्यूज़ कर दिया, यार भाई बेइज्जती हो गई हंसते हंसते। यार बताओ यार फिर क्या किया मैंने, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर मैं गया क्या बोलते माटा में लिकर स्टोर में, तो यहाँ का जो लिकर स्टोर होता है ना वहाँ नहीं होती इतनी प्रॉब्लम, पर ये काउंटडाउन हो गया, न्यू वर्ल्ड हो गया, इन सारी जगह बकचोदियाँ होती रहती है, ठीक है। क्योंकि ये यूजली आईडी मांगते हैं जो लोग इन्हें 25 से नीचे के लगते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अडल्ट लगते हैं, 14-14 साल के बच्चे भी 30-30 साल के लगते हैं। तो इसलिए इनका रूल है कि जब भी अगर आपको 25 से कोई नीचे दिखे तो उससे आईडी मांगो। तो यार यही बताना था। और अब मौसम बहुत ठंडा होने लग गया है आज का, देख सकते हो तुमने मैंने ये पहन रखा है। और अब मैं अपने काम की तरफ जा रहा हूँ, और अब मैं तुम्हें मिलूँगा कब, जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। और सी यू, बताता हूँ तुम्हें कितना आवर्स होता है, सी यू नेक्स्ट। बतानी है वो कि ये है कि जो तुम्हें बिन दिख रहा है सामने, तो अगर मैं बताऊँ तो अब बिन जा चुका है, क्योंकि क्या सीन है कि इनकी जो स्ट्राइक है वो ख़त्म हो गई, आई थिंक इनके डॉलर पड़ गए। तो जो तुम्हें सामने बिन देख रहा है वो खाली हो चुके हैं, तो फाइनली अब जाके इनकी स्ट्राइक ख़त्म हुई है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते चलती है स्ट्राइक, या डेढ़ हफ्ते, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके लग जाएंगे अगर ये काम नहीं करेंगे तो इसलिए इनने स्ट्राइक बंद कर दिया। आई थिंक डॉलर बढ़ गया है और अब बिन चले गए। तो यही एक अपडेट देना था। अब मिलता हूँ तुम्हें जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, तो सी यू इन दैट शॉप। रात हो गई है और काफ़ी लेट मैं घर पहुँचा हूँ, तो इसलिए मैं कुछ शूट नहीं कर पाया। तो बाकी आज का डे ख़त्म हो गया है और आई होप आपने वीडियो को बहुत इन्जॉय किया होगा। बहुत लेट घर पहुँचा हूँ, अगर तुम्हें बताऊँ अभी टाइम हो रहा है आई थिंक 11:30, तो मेरी आंखों में भी देख सकते हो मुझे कितनी नींद आ रही है। तो अब मैं तुम्हें मिलूँगा कब, अब मैं तुम्हें मिलूँगा डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो पे यानी कल। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं बहुत थका हूँ भाई लिटरली, इस हफ्ते मैंने अच्छे आर्स करे, तो लेट्स सी क्या होता है। तो मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में।